हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है बाथ टब कर्व। अब बाथ टब का यहाँ पे नाम समझ में आ रहा होगा कि बाथ टब यानी कि एक टब की तरह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे बनाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो बाथ टब कर्व है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है और इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो क्या है। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी बाथ टब कर्व का यूज़ बहुत ज़्यादा करती है। इसका कारण ये है कि वो किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए सपोज हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपने घर के CFL का, CFL जिसकी वारंटी 1 साल मिनिमम होती है, किसी किसी की 2 साल होती है। तो आज आप अपने CFL घर पे लेके आए और उस CFL को आपको मालूम है कि इसका जो फेलियर रेट है ये 1 साल के बाद ही होगा। अगर 1 साल के अंदर होता है तो उस दरमियान आप उस CFL बल्ब को जहाँ से भी परचेस किए हैं वहाँ लेके जाएंगे, अल्टीमेटली आप मैन्युफैक्चरर के ऊपर छोड़ देंगे कि हमको 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था लेकिन उस टाइम पीरियड में हमारा बल्ब सही तरीके से नहीं चल पाया, उसके अंदर ही खराब हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में हम एक ग्राफ बनाते हैं और इसी ग्राफ को कहा जाता है बाथ टब कर्व। अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है आपके सामने जो कि मैं उसके मदद से चलाऊंगा तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है हमारा फेलियर रेट और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा आपका टाइम। ठीक, अब यहां पे हम 3 स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट के टाइम पीरियड, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में जो नापते हैं, उसका जो पैमाना है, उसका मेजरमेंट जो है इस ग्राफ के दरमियान, तो हम 3 स्टेज में उसको कैटेगराइज किए हैं। पहला स्टेज है आपका डिक्रीजिंग फेलियर रेट। एक कर्व बनाएंगे हम सबसे पहले जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा और इसको कहा गया है डिक्रीजिंग फेलियर रेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं FR से। ये कर्व सेकंड स्टेज में जब आता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फेलियर रेट। और इसके बाद यही कर्व आपका कुछ इस तरीके से उठते जाता है तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फेलियर रेट। अब समझते हैं कि ये ग्राफ, ये कर्व हमको क्या बताता है। देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेके आए, आज आपने CFL एक लेकर आया अपने घर पे और उसको आपने लगाया, तो जब आप नया CFL लेके आते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है, इतना जो स्टेज है, इस स्टेज में आपका फेलियर रेट बहुत कम होता है क्योंकि आपका बल्ब नया है। तो नए में आपकी पॉसिबिलिटीज, आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं कि वो फेल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे जो फेलियर रेट है वो डिक्रीजिंग मैनर पे है। इसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि आप मान लीजिए 1 साल के बाद अगर आपकी फेलियर रेट कहा जाए तो चांसेस हैं, क्योंकि 1 साल की अगर मान लीजिए वारंटी पीरियड है तो 1 साल तक आपका बल्ब खराब नहीं होगा। उसके बाद अगर होता है तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फेलियर रेट, क्योंकि हो सकता है 1 साल बाद खराब हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद खराब हो जाए या फिर 3 साल बाद भी खराब हो जाए, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, दैट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट फेलियर रेट। और तीसरा आता है आपका इंक्रीजिंग फेलियर रेट। किसी भी प्रोडक्ट को जब एक समय के बाद एक्सेसिव यूज कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसकी आयु खत्म हो जाएगी, वो या तो वो फ्यूज हो जाएगा या तो फिर वो उसमें किसी ना किसी तरीके का अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहां से आपका चांसेस बढ़ जाता है इंक्रीजिंग फेलियर रेट, क्योंकि एक समय ऐसा होता है जो कि उसके बाद हमारा फेलियर रेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप कोई गाड़ी लेते हैं, आप 20 साल उस गाड़ी को हो गया मान लीजिए चलाते, तो आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पे फेलियर रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि मेरा टाइम जो था गाड़ी का वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं कि फेलियर रेट हमारा किस तरीके से हमको यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस फेलियर रेट में हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व बना है फेलियर रेट का, ये एक कर्व टब की तरह बना हुआ है, इसलिए इसका नाम बाथ टब दिया गया। अब इस कर्व को बनाने के लिए हमने 3 चीज़ें का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला है आपका फेलियर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट फेलियर, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कांस्टेंट फेलियर रेट। ठीक, यहाँ पे होता है आपका फेलियर कर्व कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आपका जो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे आपका फेलियर रेट कम होता है, इस तरीके से ये फेलियर कर्व कहलाएगा, ये आपका कांस्टेंट फेलियर है। और यहां पे एक और होगा आपका, वो होगा वियर आउट। तो इन तीनों कर्व का एक समावेश है ये हमारा बाथ टब कर्व।
आई होप आपको समझ में आ गया कि बात टर कर्व किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी क्यों यूज करती है, क्या उसका पर्पस होता है और हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।